हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे फोन पे अकाउंट आधार कार्ड से कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपका खाता किसी भी बैंक में है और आप फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से आप डाउनलोड किए हैं, आपके मोबाइल में पहले से जो फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड है उसे एक बार अपडेट कर लीजिएगा। जब तक आप अपडेट नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो ये सुविधा है ये नहीं मिलने वाला है आधार कार्ड के माध्यम से फोन पे अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको इसे डिलीट करके या अपडेट करके फिर से फोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के लिए जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर को डालना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर कोने में लोगों का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले से ऐड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं ऐड किए हैं तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे जो बैंक का लिस्ट मिल जाता है उसका नाम मिल जाता है। अगर इस लिस्ट में बैंक का नाम नहीं है तो यहाँ पर देखिए सर्च का भी ऑप्शन है, यहाँ से अपने बैंक का नाम सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे SBI बैंक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करके अपने बैंक का नाम पहले ऐड कर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर डाल देना है 6 अंक। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ठीक है, OTP यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद देखिए यहाँ सही का निशान है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर भी एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए सही का निशान है, फिर से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेट UPI पिन, देखिए सेट UPI पिन का ऑप्शन है, जो 6 अंकों का UPI पिन बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर UPI पिन डाल देता हूँ। ठीक है, दोबारा से कंफर्म करने के लिए उसी पिन को आपको डाल देना है और सही पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन पे अकाउंट बन जाएगा। बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि टू मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालकर भी किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो UPI पिन है UPI पिन को डाल देना है। ठीक है, जो सेट किए हैं और यहाँ पर सही के निशान है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके अकाउंट में जितना टोटल बैलेंस होगा आपके सामने इस तरह का शो कर देगा। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, ठीक है, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, फास्ट कार्ड भी आप बाई कर सकते हैं, उसके बाद लोन का भी रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे सर्विस आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से जो अब फोन पे एप्लीकेशन है बनाकर आप चला सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आता है फोन पे अकाउंट बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
जय भारत।